CCU Secondary School Kota. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and I am teaching you about tenses. तो बेटा मैंने आपको पहले पास्ट इनडेफिनेट टेंस के बारे में समझाया था और डिटेल से समझाया था. मैंने सबसे पहले ठीक है ना पास्ट इनडेफिनेट टेंस को डिफाइन किया था. मैंने आपको बताया था कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस किसी भी काम के करने या होने को गुजरे हुए ज़माने यानी ज़माना माजी में ज़ाहिर करता है. आपने फोकस करना है पास्ट का मतलब ही बेटा ज़माना माजी होता है, गुजरा हुआ ज़माना, उसमें ये किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है. फिर बेटा मैं रिकग्निशन की तरफ आया था, पहचान की तरफ आया था. तो इस टेंस की पहचान तीन तरह से होती है. आपको बताया था कि इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ छोटी बड़ी आता है. फिर दूसरी पहचान आपको बताई थी उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ था छोटी थी, छोटी ये थी बड़ी ये थे. फिर तीसरी पहचान बेटा ता था ती थी ते थे आपको बताया था बेटा. तो हमने लाजमी तौर पर जो है ना हर टेंस के जो बेटा पहचान है ठीक है ना उर्दू फ़िक्रों की पहचान उसको लाजमी जहन में रखना है. उन उर्दू फ़िक्रों की पहचान की मदद से आप टेंस को पहचानेंगे और उसके मेथड के मुताबिक आप उस उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. इसलिए पहचान का समझना ज़रूरी है, लाजमी है. उसके बाद बेटा मैंने आपको मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस का समझाया था. पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आ जाता है. अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में लाजमी तौर पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं क्योंकि यही पास्ट फॉर्म है बेटा. किसी भी और टेंस में हम बिल्कुल भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ नहीं करते. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि पास्ट में जो है ना हमने फिक्रे को बयान करना है. अब मैंने दूध पिया था, इसमें जो सब्जेक्ट है बेटा ठीक है ना वो मैं है ठीक है ना. उर्दू फ़िक्रे में आप समझेंगे उर्दू फ़िक्रे की समझ लाजमी है, मैं है ठीक है ना. फिर असल काम पीने के हवाले से है, पिया था. और फिर बेटा पिया क्या था, दूध पिया था, दूध पर काम हुआ, दूध ऑब्जेक्ट है ठीक है ना. तो सब्जेक्ट मैं, उसके बाद पीना बेटा वर्ब है और पिया किसे है, दूध, दूध पर काम हुआ तो वो ऑब्जेक्ट है. तो इंग्लिश में इसे बेटा हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनेट टेंस. तो आई ड्रैंक मिल्क, ठीक है बेटा आई ड्रैंक मिल्क. तुमने इनाम हासिल किया था या आपने इनाम हासिल किया था तो यू गॉट द प्राइज, ठीक है ना बेटा. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉट है. उसके बाद अली आम खाता था या अली ने आम खाए, ठीक है ना बेटा. तो अली एट मैंगोज, अली एट मैंगोज. अब इसमें ठीक है ना पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपको समझाएं हैं ठीक है. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम ठीक है ना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करती हैं, इस पर आपने फोकस करना है लाजमी. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, इन सिंपल सेंटेंसेस को या पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. अब इसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो डिड है. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे वो डू और डज थे बेटा. डू के साथ यस लगाया वो डज बन गया था ठीक है ना. अब डू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, डिड. तो डिड एज हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ होगा ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंसेज में भी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में भी डिड एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा. ज़ाहिर है नेगेटिव सेंटेंसेज हैं तो नॉट लाजमी आएगा साथ, डिड नॉट बन जाएगा. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस बात को नोट करें कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेज में बेटा हमने डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है. इस पर आपने फोकस करना है कि इस टेंस में हम बेसिकली टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और नेगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस बात को जहन में रखिएगा. अब हमने आई ड्रैंक मिल्क, मैं दूध पीता था, आई ड्रैंक मिल्क को जो है ना नेगेटिव सेंटेंसेज में कन्वर्ट करना है. तो आई अकॉर्डिंग टू मेथड बेटा डिड नॉट आएगा, मैं दूध नहीं पीता था ठीक है ना. आई डिड नॉट
drank ki first form drink. I did not drink milk. उसके बाद बेटा you got the prize. ठीक है ना, आपने इनाम हासिल किया था, आपने इनाम हासिल किया या आप इनाम हासिल करते थे वगैरह, तो you got the prize. इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वह बनेगा यू डिड नॉट गेट. ठीक है ना बेटा, हासिल करना गेट, यू डिड नॉट गेट द प्राइज, इनाम की इंग्लिश बेटा प्राइज. फिर अली आम नहीं खाता था या अली ने आम ना खाए, तो अली डिड नॉट ईट. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, अली डिड नॉट ईट मैंगोज. अली डिड नॉट. ठीक है ना बेटा, मैंने आपको बताया है कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं. बेसिकली टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यूज किया जा रहा है, दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, सेकेंड और फर्स्ट को. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट है, तो एट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, उसको लिखेंगे डिड नॉट के बाद. ईट, अली डिड नॉट ईट मैंगोज. ये बेटा आपको समझाए. उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं, सवालिया फिक्रें आ जाती हैं आपको. ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि सवालिया फिक्रों के आखिर में सवालिया अलामत, सवालिया निशान लाजमी लगाना चाहिए. इससे पता चलता है कि ये फिक्रा सवालिया है. अगर आप नहीं लगाते और ठीक है ना पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये गलती होती है. तो इस तरह नहीं होना चाहिए. इसे जहन में रखा करें कि सवालिया फिक्रों में सवालिया अलामत लाजमी लगाई जाती है. ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क फिक्रे के आखिर में ज़रूर लगाया जाता है. अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं बेटा. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस नॉट से पहले जो डिड आया हुआ है एज हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज किया है उसे सबसे पहले राइट करेंगे. आपको बताया था कि तमाम टेंसेस में नॉट से पहले लाजमी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. जो भी हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले यूज किया जाता है उसे इंटरोगेटिव में भी सबसे पहले राइट करते हैं. अब यहां नॉट से पहले डिड है बेटा, तो हम सबसे पहले डिड राइट करेंगे, डिड. उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है बेटा, डिड सब्जेक्ट. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म. आपको बताया है मैंने कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ठीक है ना सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डिड नॉट हो या डिड हो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाता है. तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा. उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे और सबसे आखिर में सवालिया निशान, ठीक है ना, इंटरोगेटिव साइन लाजमी यूज करेंगे, लाजमी लिखी जाएगी. अभी आपको बताया था मैंने कि हर सूरत लिखी जाती है. अब आई ड्रैंक मिल्क को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो वो बना आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क. अब इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा बेटा डिड आई ड्रिंक मिल्क. ठीक है ना, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज़हन में रखें. तो डिड आई ड्रिंक मिल्क, क्या मैं दूध पीता था. ठीक है ना, ज्यादातर फिक्रों में जो सवालिया फिक्रे होती हैं उसमें क्या का लफ्ज़ यूज किया जाता है आपको पता है. तो क्या मैं दूध पीता था, क्या मैंने दूध पिया. ठीक है ना, तो वो आ जाएगा बेटा डिड आई ड्रिंक मिल्क. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना. उसके बाद यू पॉजिटिव सेंटेंस है, यू गॉट द प्राइज. उसे हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो यू डिड नॉट गेट द प्राइज. अब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको पता है, ठीक है ना, आपके सबसे पहले डिड आएगा, क्या मैं इनाम हासिल करता था या क्या, ठीक है ना, क्या.
तुम इनाम हासिल करते थे या क्या तुमने इनाम हासिल किया या क्या तुमने इनाम हासिल किया था, ठीक है ना बेटा। तो डिड यू, सब्जेक्ट यू है, डिड यू गेट द प्राइज, डिड यू गेट द प्राइज क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बेटा अली एट मैंगोज, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हमने कन्वर्ट किया नेगेटिव में तो वो बना अली डिड नॉट ईट मैंगोज। अब हम इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा डिड अली ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क। डिड अली ईट मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने तफसील से समझा दिए। पॉजिटिव सेंटेंसेस के मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद बेसिक जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब वो हमने यूज़ करनी है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है ना, अच्छी तरह से आपको ये बात याद हो जाए कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में डिड सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट बेटा और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा तो वो बन जाएंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना बेटा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी तरतीब वही सवालिया फिक्रे वाली ही होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होगी। सिर्फ हमने इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद बेटा हमने नॉट लगाना है, नॉट राइट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिड ही आएगा, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेटा नॉट। जो बात मैंने आपको जोर देकर बताई है, समझाई है, वो ये है कि डिड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बेटा नॉट आएगा। और आपको पता है कि हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ करनी है, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट और फिर बेटा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस, आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया था, फिर उसे नेगेटिव में कन्वर्ट किया, मैंने दूध नहीं पिया था, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। फिर बेटा हमने इंटरोगेटिव में चेंज किया, क्या मैं दूध पीता था या क्या मैंने दूध पिया था, डिड आई ड्रिंक मिल्क। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बेटा, ठीक है ना, दोनों को ज्वाइन किया है, मनफी और सवालिया दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो क्या मैं दूध नहीं पीता था, क्या मैंने दूध ना पिया, नहीं पिया, ठीक है ना, क्या मैं दूध नहीं पीता था, नहीं, ठीक है ना, के हवाले से। तो डिड क्या, ठीक है ना, डिड आई नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या मैं दूध नहीं पीता था, डिड आई नॉट ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क बेटा, ठीक है। उसके बाद तुमने इनाम हासिल किया, यू गॉट द प्राइज, पॉजिटिव सेंटेंस, उसे नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो यू डिड नॉट गेट द प्राइज, तुमने इनाम हासिल ना किया। फिर इंटरोगेटिव में
ठीक है ना, चेंज किया, क्या तुमने इनाम हासिल किया, डिड यू गेट द प्राइज, अब क्या तुमने इनाम हासिल नहीं किया था, डिड यू नॉट गेट द प्राइज, डिड यू नॉट गेट द प्राइज। आखिर में क्वेश्चन मार्क बेटा मस्ट है, लाजमी लगाना है, भूलना नहीं है। उसके बाद अली एट मैंगोज, अली ने आम खाए, नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो अली ने आम ना खाए, अली डिड नॉट ईट मैंगोज। फिर उसे इंटेरोगेटिव में बेटा चेंज किया, क्या अली ने आम खाए, ठीक है ना, डिड अली ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क। फिर क्या अली ने आम ना खाए तो डिड अली नॉट ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क। जो जहन में रखने वाली बात है वो आपको मैंने जोर दे के बताई है कि हमने सारी तरतीब वही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होगी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है ना, इस बात को जहन में रखें। डिड अली नॉट ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क। अब फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये वो वाहिद टेंस है जिसमें हम, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को रिपीट नहीं किया जाता। फिर नेगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो याद रखने वाली बात है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले डिड आएगा, आपको बताया कि नॉट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब हम टेंस में यूज़ करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है। तो डिड सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा सारी तरतीब सवालिया फिक्रों वाली ही है, लेकिन हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। डिड सब्जेक्ट नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसके आगे, ठीक है ना, आपको बेटा टेंस मैंने समझाना है हु वाले फिक्रों के हवाले से और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए फिया मानिल्ला, अल्लाह हाफिज। प्रिंसिपल क्लीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333-601-9353।